शादी से जुड़े अजीबोगरीब मामले अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन ये मामला बेहद ही अजीब है। दरअसल अफ्रीकी देश युगांडा में एक इमाम ने निकाह कर लिया, लेकिन इसके दो हफ्ते बाद पता चला कि जिसे महिला समझकर इमाम ने निकाह किया था वो तो पुरुष है। हैरान करने वाली ये सच्चाई जानकर इमाम के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसे जोर का झटका लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमाम के पड़ोसी ने इस बात का खुलासा किया कि उसकी पत्नी कोई औरत नहीं बल्कि एक मर्द है। पड़ोसी का आरोप था कि इमाम की पत्नी दीवार कूदकर उसके घर में घुसी और टीवी कपड़े समेत कई सामान चुरा लिए। इसके बाद पड़ोसी ने इमाम को इस बारे में बताया और साथ ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में इमाम और उसकी पत्नी को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उस समय महिला बने पुरुष ने हिजाब और सैंडल पहन रखे थे, इसलिए उसे जेल में डालने से पहले एक महिला पुलिस कर्मी से उसकी जांच कराई गई, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वह महिला पुलिस कर्मी भी ये जानकर बहुत चक रह गई कि जिसे महिला समझकर वो जांच कर रही थी असल में वो एक मर्द था। जब इमाम को अपनी पत्नी की सच्चाई पता चली तो वो भी हैरान रह गया। उसने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो सकता है। दरअसल इमाम को ये सच्चाई पहले इसलिए नहीं पता चली थी क्योंकि उसकी पत्नी ने उस समय उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया था। उसका कहना था कि अभी उसको पीरियड्स हैं। वहीं गिरफ्तारी के बाद महिला बने पुरुष आरोपी ने बताया कि उसने इमाम से पैसों के लिए शादी की थी। इमाम ने बाद में बताया कि वह आरोपी से एक मस्जिद में मिला था और उसे देखते ही उससे प्यार हो गया था, जिसके बाद इमाम ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया और हक का जवाब मिलते ही उससे शादी कर